नमस्कार, आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे खास शो आरएनए में आपका स्वागत है और मैं हूं संजीव पालीवाल। भारत और रूस के बीच दोस्ती बरसों से जग जाहिर है। जब सोवियत संघ हुआ करता था तब भी भारत के साथ सहयोग हर लेवल पर रहा। हाल के दौर में चाहे रूस से तेल के आयात के लिए भारत के खिलाफ भी कुछ देश बोलने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन रूस से सैन्य उपकरण लेने के मुद्दे पर तो कई देशों की नजर टेढ़ी ही रही। और दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कहलाने वाला अमेरिका तो भारत रूस के रक्षा सौदों से कुछ ज्यादा ही चिढ़ा हुआ दिखता है और अक्सर इस पर बयानबाजी भी चलती रहती है। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत रूस संबंधों के बारे में तथ्यात्मक तौर पर अब खुलकर अपनी राय रखी है। ये क्या राय है, ये हम सबको जानना बेहद जरूरी है। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे रिश्ते दरअसल रूस के साथ क्या हैं और अमेरिका के साथ क्या हैं। जयशंकर ने कहा है कि रूसी रक्षा उपकरणों पर भारत की निर्भरता और रूस के साथ मजबूत संबंधों का कारण ये नहीं है कि भारत ने सैन्य उपकरणों को हासिल करने के लिए अमेरिका से संपर्क नहीं किया या कोशिश नहीं की। रविवार को जयशंकर ने यूएस इंडिया फ्रेंडशिप काउंसिल एंड फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय अमरीकियों से कहा। दरअसल भारत अमेरिका संबंधों में आया एक बदलाव रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भी है, जो शायद पिछले करीब 15 साल में अपने मौजूदा रूप में आया है। 1965 से लेकर अगले लगभग 40 साल तक भारत में अमेरिका का कोई सैन्य उपकरण नहीं आया और इस दौरान पहले भारत और सोवियत संघ के और उसके बाद भारत और रूस के संबंध बहुत मजबूत हुए। एस जयशंकर ने कहा कि भारत रूस के रिलेशन तो मजबूत होते गए, लेकिन भारत और अमेरिका के संबंधों में रक्षा उपकरणों के सिलसिले में क्यों कमी आई, इसके लिए क्या बातें जिम्मेदार रहीं, ये बातें वो बखूबी जानते हैं। जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका रक्षा संबंधों में कमी का कारण भारत की ओर से कोशिश का कम होना नहीं, मैं इसकी खुद स्वयं पुष्टि कर सकता हूं। मेरे संबंधियों, मेरे पिता, मेरे दादा ने रक्षा मंत्रालय में काम किया है, इसलिए मैं जानता हूं कि अमेरिका को यह समझाने के लिए इतने सालों में कितनी कोशिशें की गईं कि एक मजबूत, स्वतंत्र और समृद्ध भारत में अमेरिका का हित है। उस समय वे लोग यानी भारत सफल नहीं हुआ, तो हो सकता है कि उस समय का वैश्विक परिदृश्य उस प्रकार का था। असलियत में जो बदलाव आया वो परमाणु समझौते से शुरू हुआ, जिसने आगे बढ़ने की दिशा में एक बड़ी बाधा को दूर कर दिया और इसके बाद संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए भारत में नेतृत्व की जरूरत थी। ताली दोनों हाथ से बजती है। ऐसा नहीं है कि सारी समस्याएं अमेरिका की तरफ से ही थी, यानी एस जयशंकर का इशारा इस तरफ था कि भारत अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों के लिए भारत की ओर से भी सुधार की जरूरत थी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आज भारत अमेरिका संबंध अलग स्तर पर है। हमारी सुरक्षा समेत कई अन्य क्षेत्रों में मिलकर काम करने की संभावना है। आज हम जो बड़े सैन्य अभ्यास करते हैं उनमें अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास शामिल है। कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि विश्व पटल पर आज भारत काफी मायने रखता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भारत के रुख को महत्व दिया जाता है। जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र से पहले न्यूयॉर्क में विश्व के कई नेताओं से मुलाकात और बैठकों में मिले रिएक्शन के आधार पर वे ये बात कह सकते हैं। एस जयशंकर ने F-16 लड़ाकू विमानों के वास्ते पाकिस्तान के लिए अमेरिकी प्रशासन द्वारा $45 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दिए जाने के फैसले पर भी रविवार को सवाल उठाया और कहा कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ संबंधों से दोनों में से किसी देश को कोई फायदा नहीं हुआ। जयशंकर ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो इस संबंध से ना तो पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ है और ना ही इससे अमेरिका के हितों को पूरा करने में मदद मिली है। इसलिए अब अमेरिका को वास्तव में यह सोचना चाहिए कि इस संबंध का फायदा क्या है और इससे उन्हें क्या मिल रहा है। अमेरिका ने इसी महीने की शुरुआत में पाकिस्तान को सुरक्षा मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता दी थी, जिसे भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका की बाइडेन सरकार की ओर से पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के रखरखाव के लिए $45 करोड़ की सहायता राशि मंजूर की गई। साल 2018 के बाद से अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को दी गई एक बड़ी आर्थिक मदद है। साल 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि पाकिस्तान आतंकवाद से
अमेरिका की लड़ाई में कुछ सहायता नहीं कर रहा है। लेकिन अब बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान के लिए अपना खजाना खोल दिया है, वो भी तब जब पाकिस्तान चीन से अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान को दी गई सुरक्षा सहायता राशि को लेकर कहा कि इससे क्षेत्र में सैन्य संतुलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका का कहना है कि इस आर्थिक सहायता से पाकिस्तान रक्षा क्षेत्र में अपनी मौजूदा समय की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता बनाए रखेगा। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सहायता के मुद्दे पर भारत में हो रही आलोचना पर अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ अलग अलग संबंध है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि एक से अगर संबंध रहेगा तो दूसरे से नहीं। अमेरिका के दोनों देशों के साथ संबंध स्थापित है। इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए यूएस के एक अधिकारी डोनाल्ड लू ने बताया कि पाकिस्तान को सुरक्षा सहायता को लेकर हम भारत की ओर से कई चिंताओं को सुन रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान को की गई इस मदद में किसी भी तरह का नया एयरक्राफ्ट या कोई नया हथियार नहीं शामिल है। डोनाल्ड लू ने कहा कि मदद सिर्फ पाकिस्तान को सुरक्षा उपकरणों के मेंटेनेंस के लिए दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि यह हमेशा से अमेरिकी सरकार की पॉलिसी रही है, हम जब भी किसी देश को सुरक्षा उपकरण देते हैं तो हम आगे भी उनका रखरखाव करने के लिए सपोर्ट करते हैं। अमेरिका की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान को दी गई इस सहायता राशि में किसी भी तरह के नए हथियार या युद्ध सामग्री को शामिल नहीं किया गया है। जो सुरक्षा सहायता पाकिस्तान को दी गई है, इसके जरिए पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का साथ देगा। इससे अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को ताकत मिलेगी। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने अमेरिका के इस फैसले पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अमेरिका का पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट फ्लीट को मजबूत करना भारत और अमेरिकी संबंधों के लिए एक बड़ा झटका है। इससे अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। अगर अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच किसी एक का चुनाव नहीं करना चाहता तो फिर भारत यूक्रेन को लेकर किसी एक का पक्ष क्यों ले और रूस के साथ अपने संबंधों को कमजोर करे। अमेरिका ने अपने इस फैसले की जो दलीलें दी हैं वही दलीलें शीत युद्ध के दौरान दी जाती थी। कंवल सिब्बल ने आगे लिखा था कि पाकिस्तान पहले से ही चीन का जागीरदारी राज्य है। पाकिस्तान चीन का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है और अपने 47% हथियार वहीं से खरीदता है। बालाकोट स्ट्राइक के दौरान भी पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया था। भारत के पूर्व राजनयिक पिनाक चक्रवर्ती ने भी ट्वीट करते हुए लिखा था, अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान को हथियार बेचता है और उसे सैन्य मदद पहुंचाता है। चीन का भी यही रणनीतिक मकसद है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, चूंकि भारत ने रूस पर अमेरिका को नहीं चुना, अमेरिका उसी का हिसाब चुकता कर रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक सूर्या कानेगावकर ने भी अमेरिका के इस फैसले को लेकर कई ट्वीट किए। उन्होंने ट्वीट किया, भारत अमेरिका की साझेदारी कभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाएगी क्योंकि अमेरिका की नीति हमेशा से हस्तक्षेप करने वाली रही है। अमेरिका किसी भी देश का सच्चा दोस्त तब तक नहीं बन सकता है जब तक वो उस देश के हर मामले में हावी ना हो जाए। हालांकि भारत का एक बार फिर से किसी का उपनिवेश बनने का इरादा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान की मदद करके कह रहा है कि उसके भारत के साथ अलग संबंध है और पाकिस्तान के साथ अलग। लेकिन हाल ही में यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच जब भारत ने रूस के साथ तेल खरीदने की डील की थी तो सबसे ज्यादा तकलीफ मिर्ची अमेरिका को ही लगी थी। अमेरिका को भारत के साथ रूस का दोस्ताना एकदम पसंद नहीं आया था। इस बात को लेकर अमेरिका ने आपत्ति जताते हुए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। हालांकि भारत ने यह साफ कर दिया था कि वह अपने फैसले लेने में सक्षम है और जानता है कि देश की जनता के हित में किससे क्या डील करनी है। तब से अमेरिका और भारत इस मुद्दे पर एक तरह से आमने सामने थे, लेकिन एक दूसरे को लेकर कुछ बोल भी नहीं रहे थे। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत रूस रक्षा संबंध के बारे में अमेरिका को सारी बातें साफ कर दी हैं। यह भी बता दिया है कि भारत के कई बड़े सैन्य अभ्यासों में अमेरिका भी शामिल रहता है, इसीलिए भारत अमेरिका को अपने रक्षा सौदों के संबंधों में किसी को रोड़ा नहीं समझना चाहिए। यहां हमने कई राजनयिकों की बातें भी आपके सामने रखी जिनसे यह भी स्पष्ट है कि अमेरिका को पाकिस्तान को आम सप्लाई बंद करनी होगी। देखें अमेरिका इस बात पर कितना अमल कर पाता है, क्योंकि भारत अपने रक्षा मुद्दे पर कोई समझौता नहीं कर सकता। इसी के साथ अब आप सभी दर्शक जो हमें आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल और एक रिक्वेस्ट, कैसा लगा आपको हमारा आज का शो RNA, कमेंट करके इस एपिसोड के बारे में अपना रिएक्शन जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।